गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग. स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो आज हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, फुल लेंथ इसका फॉर्मेट क्या है, इंक्लूडिंग ऑल द थ्री एक्टिविटीज, राइट? सो इट इज़ गुड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले हमें लिखना होता है ऊपर फॉर्मेट का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. तो जो भी ईयर दिया होगा, मान लीजिए आपको 17-18 की इन्फॉर्मेशन है, तो यू विल राइट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, राइट? तो सबसे पहले बेटे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट बनाना. हमें सब छोटा सा कॉलम बनाएंगे आप, सीरियल नंबर, जिसमें आप नेमिंग करेंगे तीनों एक्टिविटीज़ को, ठीक है? देन वी हैव अ बिग कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, then a column of scale margin details, a column of scale margin for the total amount, ठीक है? पहली एक्टिविटी हम लिख लेते हैं बच्चे, ए. ए नाम दिया मैंने किसको, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम पहले देखेंगे क्या क्या आता है बेटा. सबसे पहले आपने लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी वीडियो में शेयर किया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम जब हम निकालते हैं बेटे, आपके पास होता है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, आपने वो अमाउंट लिख लेनी है नेट प्रॉफिट की. क्लियर है? क्या करेंगे आप, जस्ट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम, हमारे पास वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट कैसे आएगी बच्चे. वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आपके पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी. क्लियर? इसमें ऐड करना है कुछ हमें, प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड जो हम करते हैं इक्विटीज के ऊपर प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को हमने ऐड करना है. क्या रीज़न है मैंने आपको पहले बताया हुआ है. फिर हम इंटरिम डिविडेंड पेड जो है ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का, वो हम ऐड करते हैं, ये एडजस्टमेंट में ही दिया होता है. ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, ठीक है, अगर हमारा अमाउंट रिजर्व का बढ़ रहा है तो हम ऐड करेंगे, अगर कम हो रहा है तो बच्चे इट विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है. अगर लेस होएगा तो ब्रैकेट में लिखते हैं ना आपने, और अगर ऐड होगा तो विदाउट ब्रैकेट. प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स आपको दिया होगा जो करंट ईयर का होगा, इट विल बी एडिड हेयर. जो प्रीवियस ईयर का होगा वो एज्यूम करेंगे कि पे हो गया, वो हम लास्ट में ऑपरेटिंग में ही माइनस करते हैं. तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर विल बी एडिड. अगर कोई टैक्स का रिफंड है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है नेम्ड एज रिफंड ऑफ टैक्स, वो आपकी एक्सट्रॉर्डनरी इनकम है, तो उसको आपने क्या करना है बच्चे, माइनस कर देना है, लेस कर देना है, सो एज टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, एक्सट्रॉर्डनरी आइटम्स को एडजस्ट करना है. अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम की इनकम की क्रेडिट की हुई है P&L में, इसका मतलब इनकम है वो, उसको आप क्या करेंगे, माइनस. रिफंड ऑफ टैक्स भी माइनस करना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम जो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखी हुई है, जैसे कि मान लो इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, कि आपका अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट हुआ है, उस सेटलमेंट में आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ अमाउंट दिया है, तो वो क्या है, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिसिप्ट है, तो उसको हमें क्या करना है बच्चे, माइनस करना है. इसी तरीके से बेटे हमारे पास कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस भी हो सकता है जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो हो, ठीक है, तो उस एक्सपेंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है. इनकम को माइनस और एक्सपेंस को ऐड, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम. नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है. प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का नहीं लेना, प्रीवियस ईयर का ऐड करना है. एक बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक बार फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा. इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे एक ही अमाउंट दी होगी आपको एडजस्टमेंट में, उसी को यहाँ पे ऐड करना, उसी अमाउंट को आपने फाइनेंसिंग आउटफ्लो में दिखाना है. रिजर्व्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ब्रैकेट में शो हो जाएंगे, दैट मीन्स इट इज़ डिडक्टेड. टैक्स की प्रोविजन जो करंट ईयर की यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अगर प्रीवियस ईयर की है वो ऑपरेटिंग में ही लास्ट में माइनस हो जाएगी. टैक्स रिफंड अगर P&L की क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो हमने माइनस कर देना है. एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम कोई क्रेडिट साइड में दी हुई है तो हमने माइनस कर देनी है. कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम अगर डेबिट साइड में दी हुई है P&L के, तो हमने क्या करनी है बच्चे, दैट विल बी एडिड.
सो बाय दिस वी विल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डनरी आइटम। तो ये पहला स्टेप है वाइल मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चे? तो हमने यहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डनरी आइटम मैंने आपको बताया कि हमने कैसे निकालना है। वो जो अमाउंट आएगी बेटे वो यहाँ लिख लेनी है। सो आफ्टर दिस बेटा वी हैव सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो कुछ नॉन कैश आइटम्स आपकी पी एंड एल में होती हैं, ठीक है, कुछ आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हमारी पी एंड एल में होती हैं। सो वी नीड टू एडजस्ट ऑल दोज आइटम्स टू पुट द अमाउंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश ओनली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो भी नॉन कैश आइटम्स हैं या हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले रहे हैं तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कोई काम नहीं, कोई आइटम्स का कोई काम नहीं है। सो दैट वी नीड टू एडजस्ट। तो उसमें फर्स्ट आइटम क्या आती है बच्चे? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। वी नो डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन से क्या होता है बच्चे? आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो कोई नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। वी नीड टू ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट टेंजिबल नेचर। लाइकवाइज वी हैव लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। अगर किसी भी फिक्स एसेट्स को बेच के हमारा लॉस हो रहा है, वो हमारा लॉस क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, या हमारा नॉन कैश आइटम है वो आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सम ऑफ द एक्सपेंसेस लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट ऑफ। सो दीज एक्सपेंसेज वैन राइट ऑफ, इनकी वैल्यू जब कम होती है इसको बोलते हैं राइट ऑफ। इसको भी हम क्या करते हैं बच्चे? ऐड करते हैं इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वी हैव गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं सारे। इनकी वैल्यू जब डिक्रीज होती है इसको बोला जाता है अमोर्टाइज। तो यहाँ पे इन एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होने पे हमने क्या करना है? ऐड करना है। किस में करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाएं तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो जाती है, अगर एसेट्स इनकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो हम इसको राइटिंग ऑफ करके अमोर्टाइज करके बेटा ऐड कर देते हैं इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन वी हैव नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एट्सेट्रा। जब भी हम कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन एसेट्स के ऊपर, सॉरी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर, लोन्स के ऊपर, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल नेचर में नहीं आता बिजनेस की। तो इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द हेडिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट विल बी एडेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड, preliminary expenses, discount on debentures, if it is write-off, it is to be added, goodwill, patents, copyrights, trademarks, amortized, इनकी value जो है यहाँ पे add हो जाती है, write-off हो जाती है, add हो जाती है in the operating activity। जब भी हम interest pay करते हैं, चाहे वो debentures के ऊपर हो, चाहे वो public deposit के हो, चाहे वो long-term loans के ऊपर हो, that will be non-operating expense, यहाँ पे हम उनको add करेंगे in the operating activity। Then some of the items are there which is to be less, that is non-cash and non-operating incomes। तो profit on sale of fixed assets या investment, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? Less हो जाएगा। Loss होएगा तो add, अगर profit होगा तो minus। Interest income, अगर आपकी कोई interest income हुई है, debenture आपने debentures में पैसा invest किया किसी और company के, उसके ऊपर आपको interest आ रहा है, तो वो income कैसी है हमारी? इन्वेस्टमेंट इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो भी हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे माइनस करेंगे। डिविडेंड इनकम है, जैसे हमने शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लिए, उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है, वो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। रेंट इनकम है, कहीं पे बिल्डिंग खरीदी, उसको किराए पे दिया, वो जो किराया आया वो भी हमारी इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? लेस करेंगे इन द हेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो भी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, या फिर रेंट रिसीव्ड है, एंड दैट विल बी पुट इन द हेडिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड इट विल बी माइनस वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिजल्ट्स। इतना करने से बेटे हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट किया, ऐड किया, लेस किया, then we get operating profit before working capital changes, ठीक है, ये लिखना है आपने, ज़रूरी है। हमारे पास एक अमाउंट आ गई बच्चे इसकी।
अब इसमें हमने वर्किंग कैपिटल आइटम्स को कंसीडर करना है. वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. कैश एंड कैश इक्वलेंट्स को छोड़ के, एसेट साइड से कैश एंड कैश इक्वलेंट को छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट्स को यहाँ पे हमने इंक्रीज डिक्रीज दिखाना है. तो इसमें ऐड किसको करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट. कोई भी करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्वलेंट दोनों को छोड़ के कोई भी करंट एसेट अगर वो कम होता है, कम होने का मतलब उसके हम एज्यूम करते हैं कि सेल हो गया, तो हमारी इनफ्लो होगी बचे, ठीक है, ऐड करेंगे. ऐसे ही बेटे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर हमारी कोई भी करंट लाइबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स है उनके अमाउंट बढ़ गई, बिल्स पेबल उनके अमाउंट बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनके अमाउंट बढ़ गई, तो फिर से अज्यूम हुआ कि वो बढ़ी क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की, और पेमेंट की नहीं की इसका मतलब हमारे पास वो इनफ्लो ऑफ कैश ही हो रहा है. तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, दोनों को क्या करना है बच्चे? ऐड करना है. फिर माइनस किसको करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट. अगर करंट एसेट बढ़ गया, स्टॉक आपका 10 से 15 हो गया, 5,000 से बढ़ गया, तो 5,000 इसका मतलब परचेज हुआ, परचेज होने में आउटफ्लो हुई, तो ये हमने लेस कर दिया. डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आपके बिल्स पेमेंट 10 से 5 रह गए, इसका मतलब 5,000 कम हुए, वो 5,000 आउटफ्लो पेमेंट हुई, तो वो हमने यहाँ पे लेस करना है, ठीक है बेटा. तो ये सारी आइटम्स को हमने नेट इफेक्ट दिखा देना है. ऊपर हमने किया था वर्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लेके हमारे पास अब क्या आएगा बच्चे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो हमने सारी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स को, वर्किंग कैपिटल आइटम्स को एडजस्ट कर दिया. अब हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक है जी. अब इसमें लास्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे? इनकम टैक्स पेड. मैंने आपको बताया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स कि प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड है, करंट ईयर का ऐड कर देना ऊपर आपने. तो इनकम टैक्स पेड, अगर कोई टैक्स रिफंड है उसको आप माइनस कर दो इनकम टैक्स पेड में से, नेट टैक्स पेड आ जाएगा, वो यहाँ माइनस कर देना आपने. तो इनकम टैक्स पेड हो गया, उसके बाद जो अमाउंट आएगी डिफरेंस, दैट विल बी नेट कैश फ्रॉम या फिर यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये ए एक्टिविटी का रिजल्ट आ गया, उसको आपने बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेना है, ठीक है. टोटल डिटेल्स वाले कॉलम में सारी डिटेल्स आ जाएंगी हर आइटम की. जो नेट अमाउंट आएगी एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन रिजल्ट, वो आपने बाहर टोटल वाले कॉलम लिख देना है. देन लाइकवाइज वी हैव अनदर एक्टिविटीज बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही बन रहा है. वी कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा. तो अब किसकी बात हो रही है बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की. इसमें भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हमने डिस्कस किया एक वीडियो में कि कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे आउटफ्लो होता है. तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. तो जब इनको एसेट्स को बेचा जाता है तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? इनफ्लो हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव अमाउंट आ गया. ऐसे ही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है एज ए सिक्योरिटी परचेज की है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रही है चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में आ रही है, वो भी हमारा बेटे क्या है? इनफ्लो है, पॉजिटिव है. रेंट रिसीव किया, मैंने बताया कि बिल्डिंग को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट जो आ रहा है वो भी हमारा पॉजिटिव इफेक्ट, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आउटफ्लो भी हो सकता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जब हम परचेज करते हैं एसेट्स को, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल है, वो ब्रैकेट के अंदर रखना, इसका मतलब आउटफ्लो. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी क्या है बेटे? आउटफ्लो. अब इतना करने के बाद हमारे पास नेट अमाउंट आएगी, ठीक है. आउटफ्लोज और इनफ्लोज का जो नेट रिजल्ट आएगा बच्चे, दैट विल बी कॉल्ड एज नेट कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव आया, और इट मे बी यूज्ड इन, अगर नेगेटिव आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो अगर नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट में रख देना और वो नेट अमाउंट जो है बाहर आ जाएगी. अगर पॉजिटिव है तो विदाउट ब्रैकेट, लेकिन बी की अमाउंट जो है बाहर आपने टोटल अमाउंट वाले कॉलम में शो कर दी. अब इसके बाद बेटे आती है थर्ड एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. थर्ड लास्ट एक्टिविटी है, नेम हमने दे दिया इसको सी. इसमें भी इनफ्लोज आउटफ्लोज है, हमने डिस्कस किया था पहले भी. प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, तो अगर आपकी कंपनी जो है ट्रेडिंग कंपनी है, वो अगर फाइनेंस में फाइनेंस इशू फाइनेंस रेज करने हैं, शेयर्स के थ्रू रेज कर रही है, डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर रही है, तो वो जो पैसा आएगा बेटे इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, क्लियर है. देन वी हैव प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स,
लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, मॉडरेट हो, मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, तो जहाँ पे भी पैसा आ रहा है लोन्स की फॉर्म में, तो वो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सब यहाँ पे आपका इनफ्लोज आ जाएंगे। फाइनल डिविडेंड पेड, अब आउटफ्लोज भी हैं कुछ, आपने प्रपोज डिविडेंड ऊपर उसको प्रीवियस ईयर को ऐड किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो फाइनल डिविडेंड जो पेड है, डिविडेंड पेड चाहे वो इक्विटी पे है चाहे वो प्रेफरेंस पे है, वो हमने यहाँ पे आउटफ्लो की फॉर्म में शो कर देना है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऊपर हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया था, यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस करना है, आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बोरिंग्स, तो कोई भी आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, तो वो भी हमारा क्या बेटे, आउटफ्लो है। देन वी हैव रीपेमेंट ऑफ लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, हमें मालूम है कि जो लोन वगैरह है पब्लिक डिपॉजिट होता है उसको वापस भी करना होता है, तो जो रिडेम्पशन होती है, रीपेमेंट होती है, वो भी हमारा क्या बेटे, आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन की वापसी, डिबेंचर्स की वापसी हो रही है, प्रेफरेंस शेयर्स की वापस हो रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम हो रही है प्रीमियम के साथ, तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं वो भी हमारा क्या बेटे, आउटफ्लो है। एक इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम का, दूसरा इफेक्ट हमने ऊपर ऐड किया था नॉन ऑपरेटिंग आइटम की फॉर्म में, ठीक है। अब इतना करने से तीनों एक्टिविटीज के हमने मेन रिजल्ट आउटर कॉलम में लिख लिए बच्चे, ए बी सी। डी हमने नेम दे दिया फॉर नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने निकाल लिया सी का रिजल्ट। डी हमने नाम दिया नेट इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों में से एक ही चीज आएगी, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारी जो आपकी तीन एक्टिविटीज के रिजल्ट आए, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटे, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर पॉजिटिव आई तो विदाउट ब्रैकेट, अगर नेगेटिव आई तो ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या किया बेटे, ई नेम दे दिया। ई क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ओपनिंग बैलेंस होगा बैलेंस शीट में, ठीक है, जो कैश का, बैंक का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, अगर तीनों के बैलेंसेस दिए उनको ऐड कर देना है, तो वो ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड कर दिए तीनों, यहाँ पे अमाउंट लिख दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज डिक्रीज वो ले लिया, ओपनिंग कैश ऐड किया, फिर आपका ये जो अमाउंट आएगी ये एफ है। एफ क्या है बेटे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस, किसको निकाल के बना, डी और ई को, डी और ई को जब हमने टोटल किया वो जो अमाउंट आई वो किसकी है, वो एफ, एफ मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस फिर वही हो सकता है कैश का बैलेंस, है ना, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो वो अपने आप में वेरिफिकेशन है कि आपका क्लोजिंग के अगर बराबर आ जाता है तो वो आपका क्वेश्चन जो है सही हुआ है। सो दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। आपको अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है बेटे, तो आज आप फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग करें, नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई क्वेश्चन लेके इसको क्लियर करेंगे और तरीके से। सो डू एंजॉय योर वर्किंग एंड प्रैक्टिस ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।